हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनैना है। कैसे हैं आप लोग? जब जैसे ही हमारे बच्चे नर्सरी और प्री नर्सरी स्कूल्स में जाना शुरू हो जाते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है बच्चों को टीच कराने के लिए कि कैसे उन्हें स्टडी के साथ कनेक्ट करें और क्या करें हम। तो सबसे पहले, जैसे कि मोस्टली कहा जाता है कि हर प्राइवेट स्कूल में कलरिंग को और एक्टिविटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि कलर्स बच्चों के पहले फ्रेंड्स होते हैं और उसके साथ साथ धीरे धीरे उनको धीरे धीरे कॉपीज़ की तरफ मोड़ दिया जाता है। कलरिंग के साथ ट्रेसिंग शुरू हो जाती है, स्टेट लाइन, सेमी सर्कल, सर्कल, बहुत सी ऐसी शेप्स से धीरे धीरे वो अल्फाबेट्स और नंबर्स पे आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे टीच करें कि पेंसिल होल्ड कैसे करना है। काफी होता है जब हम छोटे बच्चे को पेन पकड़ाते हैं, जब पेंसिल पकड़ाते हैं, जब मार्कर होते हैं हमारे पास, या किसी तरह के कलरफुल पेन्स होते हैं, या फिर एक पेंसिल होती है, जब भी हम किसी बच्चे को, अपने बच्चे को टीच करने के लिए, या किसी भी बच्चे को क्लास में टीचर पकड़ाती है पेंसिल, सबसे पहले उसका होता है कि वो ऐसे ही पकड़, मोस्टली बच्चे ऐसे पकड़ते हैं। कोई एक दो बच्चे होंगे जिनका स्टाइल बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल पेंसिल जैसा होता है, वो हमेशा ऐसे ही पकड़ते हैं। आप बार बार उसे, एक बार ऐसे पकड़ेंगे, दो आप दो बार पकड़ेंगे, आप उसे करेक्ट करोगे कि बेटा नहीं, आपको ऐसे होल्ड करना, बट नेक्स्ट डे वो फिर ऐसे ही पकड़ेंगे क्योंकि उनको ऐसे कंफर्टेबल लगता है। लेकिन ये जो तरीका है बहुत गलत है, क्योंकि आगे जाके अगर बच्चा थोड़ा सा भी, कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत डिस्टेंस होता है उनका, पॉइंट से बहुत डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस से पकड़ते, इससे क्या होता है, एक तो उनकी हैंड राइटिंग पर बहुत फर्क पड़ता है, उनकी लिखने की स्पीड कम होती है, कर्सिव में बहुत दिक्कत होगी। कर्सिव मोस्टली यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को फास्ट राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें दिक्कत होगी। दूसरा बात, उनको ड्राइंग करने में दिक्कत होगी। मोस्टली होल्डिंग का है कि यहाँ पर जो पेंट खत्म होता है वहाँ पर हमने होल्ड करना, जब हम इसे शॉर्प कर लेते हैं, जहाँ पर वो पेंट हमारा खत्म होता है वहाँ से हमें होल्ड करना। तो इसके काफ़ी तरीके, कुछ पेरेंट इसे आप स्टोरी टेलिंग से टीच कर सकते हैं बच्चों को, जैसे कि एक जंगल में एक एलिगेटर था, या एक जंगल में एक पैरेट था, वो आया और उसने आपकी पेंसिल को पकड़ लिया। स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्प करती है किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में। ये नर्सरी के जी के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत स्माइलिंग से करते हैं, तो आप उसको हमेशा ऐसे टीच कर, धीरे धीरे, लेकिन आपको उसके टाइम लगेगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, स्लोली स्लोली, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा और धीरे धीरे उसको पेंसिल होल्डिंग का पता चलेगा। इसमें क्या होता है कि जब आप बच्चे को टीच कर, उसके सामने आप कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ कुछ उसके लिए वर्कशीट तैयार कर रहे हैं, जो उसकी कॉपी पे कुछ बना रहे हैं, तो आप उसको हमेशा बताओ, बेटा देखो मैंने ऐसे पेंसिल पकड़ा है, वो आपको, आप एक बार बोलो कि देखो मम्मा ने कैसे पेंसिल पकड़ा, वो आपको नोटिस करेगा, तो क्योंकि आप उसके पहले टीचर हो, आप मॉडल हो, तो धीरे धीरे ये चीज़ें वो लर्न करेगा और धीरे धीरे उसकी नॉर्मल पेंसिल ग्रिप हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा गलत ढंग से पेंसिल पकड़े, आपको उसे प्रॉपर होल्ड करवाना है पेंसिल को, और आपको अब नोटिस करना है कि आपका जो थंब है और आप ये फिंगर, इसके अंदर ये पेंसिल होना चाहिए और बाकी जो फिंगर्स हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।